क्लास 10 साइंस सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं और ये है 32 के और का सॉल्यूशन। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। एक कंपास नीडल को कहां पे प्लेस किया जाता है? करंट कैरिंग वायर में। अब करंट कैरिंग वायर इतना से पढ़कर आपके मन में कुछ ना कुछ आंसर बनना चाहिए या कुछ ना कुछ क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। दैट इज क्या कि जैसे अगर हम लोग के पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और वहां पर अगर हम लोग कंपास नीडल को ले जाते हैं तो जैसे नजदीक लाते हैं, कंपास नीडल जो होता है एक डायरेक्शन में सिंपली हमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, और जब उससे हम लोग दूर ले जाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करता है। ये तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला केस यहां पे हमें नजर आ रहा है कुछ, ठीक है। तो क्या है, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। हमें अपने ऑब्जर्वेशन को बताना है एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस, ठीक है। पहली बार क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज्ड। हमें पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर वायर में इंक्रीज कर दिया जाए तो कंपास नीडल में क्या डिफ्लेक्शन क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग उसको बढ़ा दे, करंट को बढ़ा दे, तो डिफ्लेक्शन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो उस बेसिस पर डिफ्लेक्शन जो होगा वो सिंपली हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसको अभी प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में क्या है, द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। अगर कंपास नीडल को हम लोग दूर ले जाएं तो जितना दूर ले जाओगे डिफ्लेक्शन उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का भी तो एक रेंज होता है ना। ऐसा नहीं ना कि एक जगह पे प्लेस कर दिए तो 3-4 किलोमीटर के आर्क में कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कुछ रेंज होता है। अगर आप नीडल को ही दूर लेते चले जाओगे, अगर आप जो हम लोग का कंपास नीडल है उसको दूर ले जाओगे, तो सिंपली है कि डिफ्लेक्शन जो होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा। तो आइए इसी को हम लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। तो ए पार्ट में है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीजेस। तो सिंपली इसका आंसर लिखेंगे, द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इंक्रीजेस। हमें पता भी है क्यों, क्योंकि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। बी पार्ट में देखिए क्या है, द कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। अगर कंपास निडल को हम लोग दूर ले जाएं तो क्या होगा, द डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये सिंपली डिक्रीज करना स्टार्ट होगा। रीजन क्या होगा, एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस से क्या होता है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, और अगर कम हुआ इसका मतलब क्या होगा कि नीडल में डिफ्लेक्शन भी हमें कम शो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।